होडल CIA ने एक बार फिर से मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़कर लाखों रुपये की गांजा पत्ती बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। होडल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पलवल जिला अधीक्षक के दिए दिशा निर्देश अनुसार होडल CIA ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को लाखों रुपये की मादक गांजा पत्ती के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। CIA इंचार्ज जमशेद ने जानकारी देते हुए बताया कि सिंगार निवासी लियाकत व अन्य 2 आरोपी यूसुफ मुर्फीन निवासी पुनहाना उत्तर प्रदेश से गांजा पत्ती लेकर फरीदाबाद और पलवल में तस्करी है। तस्कर खास मुखबिर से सूचना मिली कि SX4 गाड़ी में UP के तरफ से 3 युवक गांजा पत्ती लेकर पलवल की तरफ आ रहे हैं। सूचना मिलते ही CIA टीम ने डबचिक मोड़ पर नाका लगाकर वाहनों की जांच शुरू की तो जैसे ही गाड़ी की तलाशी ली तो 52 किलो 300 ग्राम लाखों रुपये की गांजा पत्ती बरामद की गई और बताया गया कि आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। रात करीब 8:30-9 बजे के करीब इन्फॉर्मेशन थी एक मुखबर खास की कि एक गाड़ी है SX4 गाड़ी है जो HR 51-3264 नंबर है जिसका, तो उसमें गांजा पत्ती हो सकती है। तो हमने मुखबर के आधार पर माननीय SP साहब के कुशल मार्ग निर्देशन अनुसार SP साहब का आदेश है कि जो विशेषकर UP चुनाव को देखते हुए जो नशा तस्करी है और जो शराब की तस्करी है उस पर विशेष अंकुश लगाया जाए। इसी कड़ी के तहत हमने नाका लगाकर डबचिक मोड़ से आगे एक गाड़ी SX4 गाड़ी को काबू किया और उस गाड़ी से करीब 52 किलो 300 ग्राम गांजा पत्ती बरामद किया है, जिसमें 3 आदमी थे, लियाकत, यूसुफ और मुफीद, और जो लियाकत नाम का जो ड्राइवर है वही इस गाड़ी का ओनर है। तो कितने लोग थे सर इसमें? ये अभी तो पुलिस रिमांड लेंगे उनका, पुलिस रिमांड के दौरान इसे गहन से पूछताछ करेंगे सर। ये कहाँ के लिए जा रहे थे, कहाँ लेकर जा रहे थे? करीब ये सप्लाई करने के लिए यानी फरीदाबाद पलवल में कई जगह जहाँ पे इसको बेचते हैं। सर कितनी कीमत का है गांजा पत्ती? अब लाखों रुपए कीमत है इसकी सर, अंदाजा कहाँ से खरीदा था इन्होंने? अभी पुलिस रिमांड लेंगे सर, पुलिस रिमांड पहले भी इस तरह की आप पहले कार्रवाई कर चुके हैं क्या? बहुत बड़े स्तर पर ऐसा हो रहा है, कोई कौन है इसका सरगना, कौन है, कोई पता नहीं पाया अभी तक? अभी जैसा आपको कह रहा हूँ कि हम इसको माननीय न्यायालय में पेश करके इनको पुलिस रिमांड लेके गहनता से पूछताछ करेंगे।